क्या समस्या लेकर आप विश्वविद्यालय आए हुए हैं? हम लोग बी एड तृतीय सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सारे 22 लोग सूची है और हम लोग का एडमिशन भीमराव अम्बेडकर कॉलेज नियामतपुर मऊ में एडमिशन हुआ था और हम लोगों का एग्ज़ाम रोका गया है। प्रिंसिपल साहब ने झांसा दिया था कि आप लोग का एडमिट कार्ड मिलेगा, लेकिन हम लोग एडमिट कार्ड के इंतज़ार में हम लोग कॉलेज पे थे और झांसा देख कर हम लोग जब एग्ज़ाम 7 तारीख को एग्ज़ाम था और उसके बाद जब हम लोग सर आए तो कहें कि आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिला है, इसके वजह से हम लोग परीक्षा से वंचित हो गए हैं। और हम लोग सर से कारण पूछा तो उन्होंने कारण भी नहीं बताए और बस सीधा सीधा हम लोग को गुमराह करते रहे, इसके वजह से हम लोग परेशान हो गए। हम लोग का दोनों पेपर सर देखिए छूट गया, इसके वजह से हम लोग का भविष्य ख़राब हो गया है। इसके वजह से जब हम लोग को लगा कि हम लोग प्रशासन के पास गए, DM साहब के पास गए, तो DM साहब ने कहा कि ऐसा है कि पहले आप लोग जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उससे बात कर लीजिए। फिर हम लोग क्या किया कि तुरंत हम लोग आपस में मीटिंग किए, हम लोग आ गए यूनिवर्सिटी इसी बात को लेकर कि ताकि यहाँ चले गए तो कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा, और यहाँ आए हैं तो जो कुलपति महोदय हैं इन्होंने दिलासा दिया है कि ठीक है, उन लोगों उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी बात है होगा। उन लोगों को कल बुलाया गया है और कल हम लोगों को भी बुलाया गया है, यही उद्देश्य है हमारा। हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो, किसी भी हालत में हम लोग भविष्य का सवाल है बस। परीक्षा नियंत्रक के पास भी आप गए थे तो परीक्षा नियंत्रक ने क्या कहा आपसे, क्या उन्होंने बातचीत किया, उनसे बातचीत किया और पूछा कि आपने इन लोगों का मतलब एडमिट कार्ड क्यों नहीं दिए हैं, क्या कारण था, कागज़ क्यों नहीं, बोर्ड फार्म क्यों नहीं भरे थे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग बोर्ड फार्म का फीस नहीं दिए थे, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, जबकि हम लोग के पास बहुत से लोग के पास स्टूडेंट के पास उसका फीस का प्रमाण पत्र भी है और फीस कुछ लोग मतलब पैसा पेमेंट किए हैं, ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के वहाँ रहते नहीं थे, कोई यहाँ रहता था कोई यहाँ रहता, तो भाई कैसे तो जाएगा नहीं, इसके वजह से सब ऑनलाइन पेमेंट किए हैं। कितने लोगों की समस्या है? समस्या 22 लड़कों की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।